गर्मी के सीजन में सब्जी बने ना बने, दिन के खाने में रायता बनना बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर की जरूरत है समर सीजन में, दही। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक। मैं हूँ रचना और आज की रायते की रेसिपी है बहुत ही खास, क्योंकि ये रेसिपी अगर आप देख लेते हैं और बना लेते हैं तो रोज़ रोज़ रायता बनाने की झंझट से हो जाइएगा फ्री। ये बिहार स्पेशल रायता है, जिसे बिहार में रत्तू कहा जाता है, और ये लौकी से बनाया जाता है। इसे एक बार बनाते हैं और 15-20 दिन तक ये चलता है, और इसका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि इसको अगर आप चावल दाल के साथ खाते हैं तो आपको बिना सब्जी के भी चावल दाल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, और अभी के समय में तो ये ज़रूर बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल फटाफट से दही और लौकी के बहुत ही स्पेशल रत्तो या रायता बनाना, और बिल्कुल किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ढेर सारी रेसिपीज देखनी होगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और 1000 से ज़्यादा रेसिपीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दही का रत्तो या रायता बनाना, जो कि 15 दिन तक नहीं होगा ख़राब। सबसे पहले लौकी के रत्तू के सामग्री देखते हैं। ये है एक लौकी के लिए 3 चम्मच सरसों का तेल, 4 से 5 हरी मिर्ची जो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, नमक 2 चम्मच, बड़े बड़े टुकड़े अदरक के 4 से 5 टुकड़े, 3 चम्मच पीला वाला सरसों का दाना पिसा हुआ, और 2 चम्मच हल्दी। तो ये बेसिक सामग्री है जो आपके किचन में, आपके मसालों के डब्बे में, आपकी सब्जी की डलिया में ज़रूर होगी। ये एक लौकी है जिसको छिल करके बारीक काट लिया, जिस तरह से हम लौकी की सूखी सब्जी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब एक मिक्सी का सूखा जार लीजिए जिसमें पानी के सत्तु ना हो। इसमें सरसों के दाने डालिए, इसके बाद इसमें हल्दी, अदरक के टुकड़े, हरी मिर्ची, नमक और सरसों का तेल, सभी को डाल करके इसका फाइन पेस्ट यानी कि अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम सामग्री और बहुत ही कॉमन सामग्री है, लेकिन ये जो रायता या रतुआ है ना, इसका स्वाद कॉमन नहीं है, इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन है, और आप इसको 10 दिन भी खाइएगा ना तो भी ये ख़राब नहीं होगा। अब एक बर्तन लीजिए, गहरा बर्तन। ज़्यादातर लोग रायता या रत्तू मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी बनता है, पर अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये कांच का हांडी लिया है और इसी में मैं बनाने वाली हूँ रत्तो। तो यहाँ पे लेंगे 5 कटोरी दही। दही अगर घर में जमानी हो तो हमेशा फुल क्रीम दूध का दही जमाइए। दूसरा, दही को उबाल करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद उसको निकाल के हल्का गुनगुन करके दही जमाइए तो मोटी परतदार दही जमती है। ये है दही जमाने से जुड़ी छोटी सी ट्रिक। अब जो लौकी के टुकड़े या कद्दू या घिया के टुकड़े हमने काटे थे वो इसमें डाल दीजिए, और इसमें अब हम मिलाएंगे वो मसालों का पेस्ट। लौकी या घिया जो होता है ना, वो ना सिर्फ टेस्टी होता है बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, खासकर जिन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो उनके लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसलिए लौकी का रायता या रत्तू पूरे सीजन में ज़रूर खाना चाहिए, और इसकी तासीर जो होती है वो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो अब मैंने सारा लौकी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला दिया है। अब इसमें फ्लेवर्स जो हमने मिक्स किए थे मैं फिर से रिपीट करती हूँ। 3 चम्मच पीला सरसों, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक, बड़े टुकड़े अदरक के, 4 से 5 हरी मिर्ची, और 3 चम्मच सरसों का तेल का पेस्ट बनाया है ये। और अब इस पेस्ट को हल्के हाथों से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप इसको 24 घंटे के लिए ढक करके छोड़ दीजिए, फ्रिज में नहीं रखना है। ये बेसिकली ये अचारी फ्लेवर वाला रहता है, इसलिए इसको 24 घंटे बाहर रखना है। 24 घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छा, इसका रंग बहुत अच्छा आएगा, इसका टेस्ट पूरा डेवलप हो जाएगा, और फिर इसको आप चावल दाल या रोटी के साथ, खिचड़ी के साथ, बिरयानी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते। तो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिए। कमेंट सेक्शन में जाके आपको कौन सी रेसिपी दही की या समर सीज़न की देखनी है वो मुझसे शेयर करिए, और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करके एक बार सारी रेसिपीज़ की लिंक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 24 घंटे के बाद ये रत्तो या रायता किस तरह का दिखता है। ये तैयार हो गया है रत्तो या रायता, और अब इसको खा सकते हैं रोटी, चावल, दाल, सभी चीज़ों के साथ। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चैनल का सब्सक्राइब बटन अभी तक रेड दिख रहा है तो प्लीज़ उसे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।